हेलो दोस्तों, मैं हूं आइवन। स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप भी पबजी के लैग से परेशान होंगे। आप सोच रहे होंगे क्या किया जाए जिससे लैग थोड़ा कम हो। तो दोस्तों, मैं आज आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा जिससे मैं 100% श्योर हूँ आपका लैग कम होगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, आपको अपने फ़ोन का जो स्पेस है, जो स्टोरेज है, उसे कम से कम 40% खाली रखना है दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, आपको जाना है अपना स्टोरेज में आपको अपने ऐप्स का स्टोरेज खोलना है। और दोस्तों, आपको जितना खाली कैश दिखता है आपको वो क्लियर करना है। जैसे दोस्तों, आप ये देख सकते हैं 33 MB कैश खाली है, मुझे ये क्लियर करना है। दोस्तों, बहुत सारी जैसे दोस्तों स्नैपचैट मैंने खोला, इसका 24 MB कैश है। दोस्तों, मैंने गूगल क्रोम, इंस्टाग्राम और ये कुछ ऐप्स का जो कैश क्लियर किया था दोस्तों, मेरा कम से कम 1.5 GB तो ऐसे ही खाली हो गया बिना कुछ फ़ोन के अंदर से चीज़ें डिलीट की है। दोस्तों, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, आपको जाना है आपके सेटिंग्स में, अबाउट फ़ोन। दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपको क्या करना है, आपके बिल्ड नंबर जो है उसे 5 times दबाना है, उस पर 5 times टैप करना है, तो दोस्तों आपका डेवलपर ऑप्शंस अनलॉक होगा। मेरा ऑलरेडी अनलॉक्ड है इसलिए वो बता रहा है कि यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। तो दोस्तों, आपको डेवलपर ऑप्शंस खोलना है। दोस्तों, इसमें आपको नीचे जाना है और एक ऑप्शन को एनेबल करना है। दोस्तों, मैं बताता हूँ, उसका नाम है Force 4X मल्टी सैम्पल एंटी एलाइजिंग इफेक्ट। दोस्तों, ये वैसे तो ऑफ रहता है, मैंने ऑन किया इसे। दोस्तों, इससे आपका क्या होता है, फ़ोन की ग्राफिक परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। दोस्तों, अब ग्राफिक परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रही है तो उसका मतलब कि आपका बैटरी कंजम्पशन बढ़ेगा। पर ठीक है दोस्तों, आप फ़ोन ज़्यादा चार्ज कर लेना, लेकिन आपको जब गेम प्ले में फ़र्क मिलेगा, जो थोड़ा कम लैग होगा वो ज़्यादा बेटर है इन सब के कंपैरिजन में। दोस्तों, आपको ये ऑप्शन ऑन करना है। दूसरी चीज़, आपको नीचे जाना है और आपको जो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट देखना। दोस्तों, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट है वो स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, पर आपको दोस्तों इसे एट ऑलमोस्ट या तो 1 प्रोसेस या 2 प्रोसेस पर रखिए। मैं 2 प्रोसेस पर रखता हूँ। इसका मतलब अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आपके बैकग्राउंड में सिर्फ 2 ही चीज़ें चलेगी। तो दोस्तों, इससे फ़ायदे 2 हैं, एक ये कि आपका जो डाटा है वो कम खर्च होगा बैकग्राउंड ऐप्स के थ्रू, और दूसरी चीज़ आपकी जो रैम बच रही है वो रैम आपके गेम खेलने में यूज़ होगी, तो जाहिर सी बात है आपका लैग कम ही होगा। दोस्तों, ये 2-3 ट्रिक्स थी जो आप बिना किसी ऐप के थ्रू अपना लैग कम कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइए आपको अगर ये आप ट्रिक आपके फ़ोन में वर्क की। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा किसी ऐप के थ्रू आप कैसे पबजी गेम प्ले का लैग कम कर सकते हैं, गेम प्ले की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे।